और मेरे भाइयों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कलेक्टर बनने के लिए भर्ती प्रक्रिया क्या है, कलेक्टर बनने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, कैसे आप भर्ती हो पाएंगे, और भर्ती होने के लिए देखो कलेक्टर से रिलेटेड और भी वीडियोज हमारे चैनल पर डली हुई, चेक कर सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बता दें कलेक्टर की भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है। तो लेट गेट स्टार्टेड वीडियो। तो नमस्ते, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम इंडी सपोर्ट, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं बता दूं आपको, इसके लिए आपको कलेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको आईएएस ऑफिसर बनना पड़ता है, क्योंकि प्रमोशन द्वारा पद होता है। तो उसके प्रमोशन के लिए आपको देखो भाई आईएएस ऑफिसर बनना होगा। आईएएस ऑफिसर के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होता है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप लोग हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। उस एग्जाम को देने के बाद ही आप एक कलेक्टर बन पाएंगे, ठीक है। यूपीएससी में तीन चरण होते हैं, प्रीलिम एग्जाम्स, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। ये तीन एग्जाम देने पड़ते हैं, और प्रीलिम एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा, मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू साक्षात्कार, इन तीनों एग्जाम को देना होता है। और प्रीलिम एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं जो ऑडिटरी टाइप होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। मेंस एग्जाम में आपको रिटर्न एग्जाम होता है, और इंटरव्यू में आपको इंटरव्यूअर सवाल जवाब करता है आपसे, जिसको आंसर करना पड़ता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।